हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम को या श्रम निरीक्षक के एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं जो श्रमिकों का इतिहास था, श्रम कानून का जो इतिहास था, उसको मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं। देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर आप प्लेलिस्ट में दबा के आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कानून, भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधी कानून जो है, वास्तव में वो मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया हुआ है। हमारा संविधान भारत में श्रम कानून में परिवर्तन और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, एवं भाग 4 में प्रतिष्ठापित राज्य नीति के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत श्रमिक पर संबंधित कानून का उल्लेख करता है। यद्यपि जो बोला जाए तो मौलिक अधिकार में कम और नीति निर्देशक तत्वों में इसका ज्यादा वर्णन उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों में श्रम कानून क्या है? तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। अब उसमें से कौन कौन सा प्रावधान श्रमिकों संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। अब आप कहोगे सर अनुच्छेद 14 तो समानता का अधिकार है, यहाँ पर तो विधि के समक्ष सब समान होंगे। बस यही चीज यहाँ पर आता है। अब विधि के समक्ष सब समान है तो श्रम कानून, श्रम विधि भी है, उसके समक्ष भी सबको समान होना चाहिए। एक अगर बोला जाए तो हम उठा सकते हैं मुद्दा, या उठता है मुद्दा कि कानून के समक्ष समानता, जिसकी व्याख्या श्रम कानून में समान कार्य के लिए समान वेतन के रूप में की गई है। इसका मतलब यह नहीं कि अनुच्छेद 14 निरपेक्ष है। श्रम कानून के संबंध में इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि शारीरिक क्षमता, अकुशल अकुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा। जरूर बोला गया सब समान है, लेकिन यह भी जोड़ दिया गया है कि अकुशल कुशल श्रमिक इसके योग्यता इसके आधार पर भुगतान प्राप्त होगा। अनुच्छेद 19 की बात किया जाए, अनुच्छेद 19 1C, यहां पर अगर बोले जाए आएगा ना अनुच्छेद 1 में या 1C, संविधान नागरिकों को एक संघ या संघ बनाने की गारंटी देता है। यह बोला जा गया ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 संविधान के इस अनुच्छेद के माध्यम से ही कार्य करता है। यह श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देता है। ट्रेड यूनियन श्रमिकों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति प्रदान करता है। संघीकरण मजदूरों की शक्ति आती है, संघ से अकेला नहीं लड़ पाएगा समाज से, लेकिन जब संघ में होगा तो लड़ पाएगा, और संघीकरण ही मजदूरों को हक में लड़ता है। ट्रेड यूनियन नियोक्ता के साथ श्रम संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वे हड़तालें भी करते हैं आदि। तो आपसे अगर पूछेगा ट्रेड यूनियन जो है किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत बनाया जाता है, अनुच्छेद 19 1C 1 के प्रावधान के आधार पर बनाया जाती है। अब अनुच्छेद 23 को ले लो, आर्टिकल 13 जो जानते हो बेगार प्रथा का इंद करता है, माने अब जबरन किसी से कार्य आप नहीं करा सकते। यहां पर संविधान बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। वर्तमान समय में जबरन या बंधुआ मजदूरी पर ऐसा अपराध है जो कानूनी के तहत दंडनीय है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 सभी प्रकार के बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है और इसे अवैध घोषित किया जाता है। पहले बहुत ज्यादा बंधुआ मजदूर होते थे, पहले क्या आज भी होते हैं। ये आप ईंट भट्टी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, चूड़ी खाने में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां भी आप देखने को मिल जाएगा बंधुआ मजदूर टाइप काम करवा लिया जाता है। इसको भगा दिया जाता, मारपीट के पैसा नहीं दिया जाता, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। कुछ कानूनी प्रावधान भी इसी के तहत हुए हैं। भारत में बलात्श्रम या इससे संबंधित अन्य प्रकार के शोषणकारी कार्यों के निषेध हेतु विभिन्न कानूनी प्रावधान किए गए, जो निम्नानुसार है। अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 पास हुआ, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 पास हुआ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यहाँ पर आया, संविदा श्रम नियमन उन्मूलन अधिनियम 1970 आया, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 आया, और भारतीय दंड संहिता धारा 370 में भी इससे संबंधित है। माने बलात्श्रम से संबंधित अगर भारतीय दंड संहिता अगर IPC की बात किया जाए तो धारा 370 कहता है। आर्टिकल 24 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य, रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का क्या करता है, प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24 के अंदर। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले आपात गैर जोखिम मुक्त कार्य में नियोजन को प्रतिषेध नहीं करता, यहाँ पर मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐसे कामों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 इस दिवस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। पहले बाल श्रम से संबंधित 1986 में पहला कानून क्या बना, 1986 बना। बाल श्रम निषेध रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 आया को लागू किया गया। यह अधिनियम
अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्य लगाने पर, माने कोई भी 14 साल से कम बच्चा कोई भी व्यवसायिक कार्य नहीं करेगा, कौन आया 2016 में आ गया। 14 से 18 वर्ष से किशोरों को खतरनाक व्यवसायिक कार्य में लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है 2016। इसके बाद आपका आता है श्रम कानून भाग 4 की बात, अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 क्या है? 36 से 51 नीति निदेशक तत्व, राज्य का नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकार में यह अंतर होता है कि मौलिक अधिकार में आपका हनन हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय का अनुसरण कर सकते हो, लेकिन नीति निदेशक तत्व में कोई प्रॉब्लम है, नीति निदेशक तत्व से आप असंतुष्ट हो तो उसको ले जाकर न्यायालय नहीं जा सकते। ये केवल किसके लिए है? राज्यों का कर्तव्य है। ये राज्यों पर एक प्रकार का दबाव है कि आप अगर जो कानून बनाया गया है उस हिसाब से काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, जनता आपको चुनाव में जिताएगी, अगर आप ऐसा कानून नहीं करते हो तो आपको हरा देगी। सिंपल सी बात है, एक प्रकार का राज्यों पर दबाव है कि लोगों पर इस प्रकार का नियम लाए। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य अपनी नीति या विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था पर दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि आर्टिकल जो 14 हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 पर जो समानता का अधिकार देता है, हमारा जो आर्टिकल 14 है जो मौलिक कर्तव्य पर समानता का अधिकार देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन आर्टिकल 39 की बात कर लिया जाए तो आर्टिकल जो नीति निदेशक तत्व है ये बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन। स्पष्ट रूप से 14 जरूर है समान कार्य के लिए, जब सबके लिए समान कानून बराबर है तो 14 में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, स्पष्ट रूप से अगर हम तर्क कर सकते हैं यहां पर, लेकिन पूर्णता ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा आर्टिकल 39 में बोला गया है नीति निदेशक तत्व के रूप में। बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्प व्यय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 41 की बात कर लिया जाए तो संविधान काम करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को काम करने का अधिकार है और राज्य अपने सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ काम की शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। मैं बार बार बताऊं, काम का अधिकार जरूर दिया गया, लेकिन आप इसको ले जाकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि मैं बेरोजगार हूं मुझे काम किया जाए, केवल यह राज्यों का कर्तव्य होगा। बार बार बोल देता हूं, आर्टिकल 37 पहले ही मना कर दिया गया, आप इस सब किसी भी जो अधिनियम दिया गया उसको ले जाकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अनुच्छेद 42 की बात किया जाए तो श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति को उत्थान के लिए प्रदान करता है, यह एक उपयुक्त और मानवीय कार्यस्थल बनाने की बात करता है, यह लेख मातृत्व राहत यानी गर्भवती होने पर महिलाओं को मिलने वाली अवकाश के बारे में भी बात करता है। आर्टिकल 43 की बात किया जाए तो अपने नागरिकों के जीवित मजदूरी के बारे में बात करता है, जीवित मजदूरी में न केवल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं शामिल है बल्कि व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान भी शामिल है, इसमें किसी व्यक्ति के लिए शिक्षा और बीमा भी शामिल है। माने व्यक्ति से आप कमा रहे हो न्यूनतम आवश्यकताएं, तो जीवित रहने की न्यूनतम आवश्यकताएं, जीवित मजदूरी की बात करो, कम से कम जीवन निर्वाह करने के लिए मजदूरी की बात करता है आर्टिकल 43 बात करता है, और ऐसे जगह मजदूरी की बात करता है जहां पर वास्तव में मानव रहने लायक हो, ऐसा नहीं कि गंदगी में उसको काम कराया जाए। राज्य विशेष रूप से कुटीर उद्योगों के संदर्भ में कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में अवसर सृजित करने का निरंतर प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का इसी में बहुत इंपॉर्टेंट, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये बहुत पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 43 का क्या? उद्योगों में प्रबंधकों कर्मकारों को भाग लेने पर बात करता है, राज्य किसी उद्योगों में लगे हुए उपक्रमों स्थापनों और अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। श्रम संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान के समवर्ती सूची में है, यह क्वेश्चन बन सकता है किस सूची में, तो समवर्ती सूची में है, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियां का उदाहरण निम्नानुसार है, जो व्यापार संघ में औद्योगिक और श्रम विवाद हो तो व्यापार संघ संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन और बेकारी इस पर लागू होता है, श्रमिकों कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं भविष्य निधि नियोजक का दायित्व कार्य कार्य का प्रतिकार अशक्तता और बाध्यता पेंशन प्रसूति सुविधाएं इस सब के सब किसी उद्योग और श्रमिक संबंधित विवाद में लागू होता है। समवर्ती सूची के उप विषयों पर कानून बनाने के लिए
संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों सक्षम है, चाहे वो संसद चाहे लोकसभा द्वारा बना दिया, राज्यसभा द्वारा बना दिया जाए या राज्य के विधानसभा द्वारा बना दिया जाए, दोनों इसमें सक्षम है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में श्रम से संबंधित बहुत सारे कानून यहाँ पर दिए हुए हैं जिसका सदुपयोग किया जाता है और राज्य सरकार इससे संबंधित श्रमिकों के लिए कानून बनाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।